जैसा मैंने बताया आदि यार, तो मेरे पास इम्पोर्ट एसेसरीज भी मिल जाती है, आप देख सकते हैं प्रॉपर स्टील की एसेसरीज मिल। आपने देखी होगी यार मशीन 21 मशीन होती है, मॉन्स्टर का नाम दिया था मैंने इसको, उसका मॉन्स्टर में इसमें सारी एक्सरसाइज हो जाती है हमारी। ये चिनअप भी लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारा लैग पुल डाउन, और ये बहुत ही कम दामों में है, मात्र मतलब कि इम्पोर्टेड जो जिम होते हैं ना उनकी कॉपी वो भी मेरे पास अवेलेबल हो जाती है। ये ड्रैगन बेंच है, ये हमारी शोल्डर प्रेस है और लेटरल है। आज की बात करते ना वो ये पाई 2x6 का साइज है। प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो हैंडमेड ही है। मिनिमम 500 रुपये की मिलेगी, मेरे पास मात्र 350 मिलेगी, मतलब होलसेल में मिलता है सारा। ऐसा नहीं है कि लूटना है लोगों को। क्वालिटी मेरी सारी बेस्ट रहती है आदि भाई, कोई हल्का सामान है ही नहीं। मेरी खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, ये नहीं कि मैं थर्ड पार्टी और डीलर हूँ। सो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस द दून व्लॉगर आदि, और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे फ्रेश न्यू व्लॉग में। तो गाइस जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो सबसे पहले तो भाई जो भी मेरे भाई बंधु हैं जो जिम लवर हैं, जो यार सोच रहे हैं प्लान कर रहे हैं कि यार एक्सरसाइज करने का, उनको अच्छा इक्विपमेंट चाहिए होम पर्पस के लिए या फिर जिम के लिए, जिन्होंने नया जिम खोला और बल्क में उनको इक्विपमेंट चाहिए, तो भाई ये वीडियो आपके लिए ही है। आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, सबके लिए या सब परचेस कर सकते हैं। मैं आगे इस चीज़ को लेके बात करूँगा कैसे कैसे, बट फिलहाल मैं आपको बता दूं यार, देहरादून में जो ये हमारे भैया हैं चिराग भैया, जिनकी खुद की फैक्ट्री है, वो खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं, उनसे मैं मिलाऊंगा इस वीडियो में। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं भी खुद अभी वहीं जा रहा हूँ, खुद के लिए भी परचेस करना है मुझे। मैंने ये देखा कि उनके पहले भी कई वीडियोस हैं, और बट एक प्रॉब्लम मैंने देखी उनके कमेंट सेक्शन में वीडियोस में जाके कि यार अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं ना जिनको इंटरेस्ट तो है पर उनको पता नहीं लग रहा कि कैसे, किस पे जाना है, कौन कहाँ ऑर्डर करना है, किसको करना है। तो भाई ये जो प्रॉब्लम है ना ये आपकी सॉल्व हो जाएगी इस वीडियो के थ्रू। आप बस वीडियो के साथ पूरा बने रहो एंड तक, ठीक है? आपको सब पता चल जाएगा किस टाइप का प्रोडक्ट है, कैसा है, आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो, किसको कॉल करनी है, क्या करनी है, आपको सब बता देंगे। बस आप वीडियो के साथ बने रहो और आपको बहुत मज़ा आने वाला है लिटरली। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ चिराग भैया के यहाँ, और आपको भी मिलाता हूँ उनसे, सारी डिटेल आपको देते हैं दोनों भाई मिलके। तो जी गाइज मैं पहुँच चुका हूँ चिराग भैया के गोडाउन में। तो ये हमारे चिराग भैया हैं। हेलो नमस्कार सस्ते का अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हो भाइयों? हर बार की तरह इस बार आज मैं आदि भाई के साथ आया हूँ आदि भाई के ब्लॉग में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि जो नीचे गया हुआ बेल आइकन है तो उसको दबाना ना भूलें, लाइक तो बिल्कुल करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज मेरे पास आदि भाई आ चुके हैं, और मुझे आज वो चाहते थे कि आज चिराग भाई के पास कुछ यूनिक सा काम करें जाके, तो मुझे अच्छा लगा ये सुन के। मैंने कहा आदि भाई आ जाओ, आज आखिरकार आज मेरे पास आ गए, और ये कुछ जो इनके क्वेश्चंस हैं इनके दिमाग में उसको क्लियर करने के लिए आए हैं, तो वो सारी क्लियरिफिकेशन आदि करेंगे मेरे से। तो अब जो होगा अब आदि मेरे से बात करेंगे। जी आदि बताइए। तो यार मैंने ये चीज़ देखी, हमारे चिराग भैया ऑलरेडी हमारे देहरादून के काफ़ी फेमस बंदे, और वीडियोस भी काफ़ी देखी होंगी आपने चिराग भैया के रिलेटेड जिम इक्विपमेंट्स के। पर यार उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि कई लोगों की प्रॉब्लम एक्चुअल में ये थी कि भैया को कॉन्टैक्ट करें कैसे। जैसे अपने स्टेट वाले तो चलो आ जाते हैं, आ जाएंगे कैसे भी करके, पर जो दूसरे स्टेट्स हैं जिनको बल्क में क्वान्टिटी में प्रोडक्ट चाहिए, उनका एक डाउट था कि यार भैया को कैसे कांटेक्ट किया जाए, एक्चुअल में क्या प्रोसेस है। तो यार सबसे पहले प्रॉब्लम मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा भैया, इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन यार आदि यही है कि सबसे पहले तो मैं आपकी बार जो कांटेक्ट नंबर रहेगा वो थंबनेल पे तो दूंगा ही, बल्कि मैं जो हमारा नीचे चलता रहता है ना उसमें भी मेरा नंबर मेंशन कर देना, प्रॉपर एड्रेस मेंशन कर देना। वैसे मैं बता देता हूँ, मेरा जो एड्रेस है यहाँ का देहरादून के अंदर है, ISBT के पास है, आज़ाद कॉलोनी नियर पंजाब कॉलोनी में एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे गुरुद्वारे के पास आके किसे पूछ लेना जिम का सामान कहाँ बनता है। मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ये नहीं कि मैं थर्ड पार्टी और डीलर हूँ, मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। आप किसे पूछ लेना चिराग भैया या, और यहाँ पर अबीरा फिटनेस करके मेरी फर्म का नाम है, जैसा आप पीछे देख रहे होंगे द अबीरा फिटनेस, तो किसे पूछ लेना कि यहाँ पे जिम का सामान कहाँ बनता है, तो आपको ईजिली पता लग जाएगा। और नंबर मैं भी बता देता हूँ आपको 8126270366, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और मैं ही आपका फ़ोन पिक करूँगा, और जो भी इंक्वायरी होगी आपकी जिम से रिलेटेड या डंबल प्लेट से रिलेटेड आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो देखो गाइज एक चीज़ बहुत क्लियर हो चुकी है, भैया का ऐसा ना कोई वेबसाइट पे जाना ना कुछ करना है, सिंपल नंबर है जो कि भैया ही पिक करेंगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी करे, किसी भी स्टेट से हो आप, कुछ भी करो, बेफिक्र होके भैया को कॉन्टेक्ट करो, यही एक मीडियम है और किसी ट्रैप में मत आना किसी और के। सिंपल भैया ने क्या दिया नंबर है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, भैया ने बोल भी दिया है, और एड्रेस मैं खुद पिन कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको कॉन्टेक्ट करने का, और भाई जो देहरादून से हैं वो तो डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं भैया के। और एक चीज़ भैया ने और मैंशन कर दी है कि भैया प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो हैंडमेड ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है भैया कहीं और से मैन्युफैक्चर करते हैं, हम अभी दिखाएंगे भी आपको, ठीक है। तो और मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, आप जैसे आपने हर उसमें वीडियो में बताया इक्विपमेंट के रिलेटेड कि ऐसे ही इक्विपमेंट से, तो थोड़ा सा ना उस चीज़ पे भी हम थोड़ा जेन्युइनली एक बात कर लेते हैं। बिल्कुल आदि यार, मैं ना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं वीडियो देख देख के। मैं आपको छोटी वीडियो में फटाफट चीज़ बताऊँगा कि मैं किस तरीके का सामान यूज़ करता हूँ अपने जिम के अंदर, क्या चीज़ यूज़ करता हूँ, कौन सा पाइप यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं बताना पसंद करूँगा, मैं कोई सा भी जिम हो, मैं जिम में यूज़ करता हूँ अपोलो का पाइप, 12 गेज और 10 गेज का पाइप यूज़ करता हूँ। मैं आपको इसका सैंपल भी दिखा देता हूँ, सकते हैं, देखिए ये मैं अपोलो का पाइप यूज़ करता हूँ। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, अगर कोई समझदार आदमी होगा वो एकदम से बता देगा इसका कितने गेज का पाइप है ये, ठीक है। ये पाइप यूज़ करता हूँ और साथ साथ मैं पाइप हर तरह का यूज़ करता हूँ, कैप्सूल पाइप हो, चाहे कैप्सूल पाइप में 2x4 का कैप्सूल पाइप हो, चाहे 2x6 का कैप्सूल पाइप हो। अब तो होगी पाइप की बात ये। अब मैं एसेसरीज प्रोफाइल जो यूज़ करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। एसेसरीज प्रोफाइल में मैं ये यूज़ करता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा ये पुली बॉक्स है हमारा, लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, मैं प्रॉपर लोहे का यूज़ करता हूँ। इसकी खुद की कॉस्ट ही 200 रुपये है एक पुली बॉक्स ही, और ना जाने 100+ पुली बॉक्स हमारे पूरे सेटअप में लगते हैं। तो आपसे इसलिए 100+ मतलब कि 8 से 10 हज़ार के तो मैं पुली बॉक्स यूज़ कर लेता हूँ, ताकि मेरे जिम की क्वालिटी और लाइफ बढ़ी रहे। दूसरी चीज़, अब लोग क्या करते हैं, ये सिंपल बैरिंग यूज़ करते हैं, जैसे हमारे साइकिल में यूज़ होते हैं बैरिंग, लेकिन मैं इसमें जो बैरिंग यूज़ करता हूँ आप देख सकते हैं किस टाइप के बैरिंग हैं, दिखा देते हैं, ये देखो, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि जैसे ये हो गया हमारा। अब मैं आपको दिखाता हूँ केचर। लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के केचर यूज़ करते हैं, जो हमारी बटरफ्लाई में होते हैं हम केचर यूज़ करते हैं। ये देखिए मैं प्रॉपर लोहे का केचर यूज़ करता हूँ, और लोग जो यूज़ करते हैं वो करते हैं ये प्लास्टिक का हल्का। मैं लोहे का यूज़ करता हूँ, मैंने आपको दिखाने के लिए रखा ताकि आप किसी से भी जिम लो, चाहे मुझसे लो ना लो, किसी भी जिम लो, लेकिन आपको गलत गाइडेंस ना हो। और जो मैं कमिट करूँगा ना भाई, अगर आप बाहर के भी बंदे हो, कहीं बेंगलोर, पुणे, महाराष्ट्र या आउट बिहार के किसी कोने से भी हो ना, जो कमिट होगा ना सामान वही मिलेगा। चाहे आप उस चीज़ को लेके वीडियो को टैग कर देना, केस कर देना, लेकिन जो बोलूँगा ना भाई सामान वही दूंगा। ये बैरिंग सीट होगी हमारी, शीट होगी, आप देख सकते हैं कितनी ठीक है ये देख सकते हैं कितनी ठीक है। ये सब चीज़ें अच्छी क्वालिटी की यूज़ करता हूँ। फिर आप देख सकते हैं एसेसरीज भी मेरे पास सब तरीके की मिल जाती है। ये देखिए रोप होगी है, ये मार्केट में 500 रुपये की मिलती है, मेरे पास 250 रुपये की, 200 रुपये की, 150 रुपये की रोप मिलती है। अब ये एसेसरीज में आपका वी हैंडल हो गया, जिसमें हम ट्राइसेप्स की यूज़ करते हैं, मार्केट में मिनिमम 500 रुपये की मिलेगी, मेरे पास मात्र 350 मिलेगी, मतलब होलसेल में मिलता है सारा, ऐसा नहीं है कि लूटना है लोगों को मेरे को। अब आप देख सकते हैं ओलंपिक रोड है, ये ओलंपिक रोड है, आप देख सकते हैं ये बैरिंग वाली है, ये देखो आप देख रहे होंगे ना इसमें बैरिंग लगे हैं, आप ये यहाँ से देख पाएंगे, यहाँ पे बैरिंग लगे हैं। ये बैरिंग वाली मेरे पास मात्र 280-290 रुपये फीट पे मिल जाती है। थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे होता है, जैसे पेट्रोल का भी रेट ऊपर नीचे होता है, गैस का भी रेट ऊपर नीचे होता है, ओब्वियसली लोहा है इसका भी रेट ऊपर नीचे होता है, लेकिन 280-290 की मैं दे देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाना पसंद करूँ डंबल, डंबल की क्वालिटी में मेरे पास सब तरीके की डंबल मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक चीज़ है, अभी यहाँ पर हम गोडाउन में सारा सामान नहीं है वो, तो अभी हम और भी भैया के पास हर तरह की वैरायटी है। मेरा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पे केवल मैं सैंपल रखता हूँ। भैया ने बिल्कुल सही कहा है, गोडाउन मेरा कोलागढ़ में है, जहाँ पे मेरी पहली वीडियो है, जो पहले ब्लॉगर्स ने मेरी वीडियो बनाई थी, तो ये यहाँ पे मेरे पास सैंपल रहते हैं, सैंपल भी ठीक ठाक क्वांटिटी में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं डंबल मेरे, आप इस टाइप के डंबल मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी भी इनकी अच्छी देता हूँ मैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं प्लेट्स पे, आप प्लेट्स भी देख सकते हैं, प्लेट्स भी मैं अच्छी क्वालिटी की देता हूँ। तो आपने प्लेट्स भी देख ली, क्वालिटी मेरी सारी बेस्ट रहती है आदि भाई, कोई हल्का सामान है ही नहीं। और आजकल डंबल चल रहे हैं फिक्स डंबल, जरा फिक्स डंबल दिखाना अमेरिकन वाला, आप ये देखो इसकी क्वालिटी देखना, आप मार्केट में बहुत ही कम लोगों के पास मिलेंगे, आप ये देख सकते हैं, ये देखो आप, ये अमेरिकन डंबल, इसमें डंबल ही मिल जाते हैं, इसमें प्लेट्स भी मिल जाती है मेरे पास। मतलब कि ये बहुत महंगी चीज़ें होती हैं, सब मेरे पास मिल जाता है और बहुत ही रीजनेबल रेटों में। ये कितने का, ये कितने रुपए किलो होगा, तकरीबन आपको मिल जाएगा 140 रुपये किलो, और जो इसका डंबल आता है वो 120 रुपये किलो। तो इस टाइप की चीज़ें मेरे पास मिल जाती है। अब इसमें जो सिंपल डंबल आते हैं हमारे, जो मैंने आपको बाउंसर के दिखाए थे डंबल, इस टाइम में भी अमेरिकन डंबल आते हैं, ठीक है। ये तकरीबन ये 120 रुपये किलो मिल जाते हैं और ये 140 रुपये किलो मिल जाता है। और ओलंपिक रेट के मैंने आपको बता ही दिए हैं। जो ओलंपिक प्लेट होती है हमारी, इसका जो रेट रहता है, ओलंपिक प्लेट जो इसका रेट रहता है, उसको फाड़ के दिखा सकते हैं क्वालिटी, क्योंकि कस्टमर को समझ नहीं आया क्वालिटी कैसी दे रहा हूँ मैं। आप ये देख सकते हैं क्वालिटी इसकी। ये तकरीबन ये आपको 100 रुपये किलो पे मिल जाता है ये वाला प्लेट। और जो ये डंबल रहता है ये भी 100 रुपये किलो पे मैं देता हूँ, क्योंकि भैया मार्केट में तो 80-90। मेरे पे बहुत कमेंट आते हैं कि यार ये इतने सस्ते क्यों हैं, लोग इतने सस्ते दे रहे हैं, महंगे क्यों दे रहे हैं। इसके पीछे रीज़न है भाई, मेरे प्लेटेड डंबल में क्वालिटी है, इसमें मैं लोहा यूज़ करता हूँ, इसमें डेक्चून यूज़ नहीं करता। अगर मैं डेक्चून यूज़ करूँगा ना भाई, इसमें 80-85 रुपये मेरे को पड़ जाएगा, मैं 80-85 में बेच सकता हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर लोहा ही यूज़ करता हूँ प्रॉपर। इस वजह से मेरा थोड़ा डंबल प्लेट्स महंगी रहती हैं। और क्वालिटी तो भैया पता ही है, फिर क्वालिटी अब आप देख सकते हो क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं। देखो जेन्युइनली बात करी जाए तो भैया के जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने खुद देखे हैं, अभी ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसी वीडियो बना रहे हैं। क्वालिटी A1 है भैया का। एक तो मेन काम ये है कि खुद से ही इनका मैन्युफैक्चरिंग है, वो प्लस पॉइंट होता है बिल्कुल। और देखो जिनको लग रहा है ना कि ये ऐसी वीडियो बना रहे हैं, पहली बात तो मैं बता दूं भैया खुद एक इंजीनियर प्रोफेशन से हैं, एग्जैक्टली ठीक है। तो आप सोच सकते हो तजुर्बा और क्या है, उस चीज़ में करेंगे बात आगे। पर फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि यार बेफिक्र होके यार, जिनकी ये थोड़ा सा डाउट आता है ना कि यार क्या ये फेक है क्या है। और दूसरा भैया एक पॉइंट और भी आता है, वो कैश ऑन डिलीवरी वाला। हाँ यार वो कैश, देखो मेरे यहाँ है ना, एक्चुअली मैं आपको ये सबसे पहले क्लियर करता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आदि ने। कैश ऑन डिलीवरी मेरे यहाँ नहीं होती। देखो क्लियर वर्ड्स में, कैश ऑन डिलीवरी मेरे यहाँ नहीं होती। पूरी वीडियो देखें, जो भी देखेगा ना इसको पूरी वीडियो देखें। कैश ऑन डिलीवरी इसलिए नहीं होती है क्योंकि मेरा सामान जो है, ये जो हमारे जितने भी फास्ट सर्विस होती हैं, जैसे कोरियर, जैसे कोरियर के होते हैं ना हमारे DHL वगैरह, जितने भी होते हैं, ये हमारे सर्विस को, हमारी जो इक्विपमेंट होते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें ना एक लिमिट होती है वेट की, और हमारा तो एक आउट ऑफ लिमिट वेट होता है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है, तो ट्रांसपोर्ट से हमारी डीलिंग नहीं हो पाती कि वो वहाँ से पहले आपका सामान पहुँचाए, वो फिर वहाँ से आपसे पैसे ले। तो हमें प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो इस वजह से हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं रखते। पैसा पहले लेंगे, लेकिन जहाँ पैसे देंगे वो आप बिल्कुल जेन्युइन तरीके से पैसे होंगे आपके, कोई भी किसी तरह का फ्रॉड नहीं होगा। क्योंकि मेरी और भी वीडियो है, कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं आप, उसमें अच्छे कमेंट ही हैं सारे, 90% उसमें कमेंट्स अच्छे हैं। तो आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरीके की भी। हाँ, और मैं इसमें एडिशनली कहूँगा सच में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रजिस्टर्ड है मेरी, सारी इन्फॉर्मेशन मेरी रजिस्टर्ड है। तो आप अगर कहीं और से हो तो ये मत सोचें कि यार इतना सस्ता है, हम कैसे ये सब बोल रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, जेन्युइन है, आप ट्रस्ट करो, बेफिक्र होकर मंगाओ, ठीक है। तो आज की वीडियो का पर्पस तो यही था मेन, कि यार आपको बताया जाए कि कैसा कॉन्टेक्ट करना है। आपने सामान दिखा दिया आपको, और डिटेल में आपको अगर और जानना होगा तो आप बता देना कमेंट में कि यार आप सारे प्रोडक्ट एक बार अच्छे से दिखा दो। मशीनें भी आपको दिखा देंगे जो हैंडमेड बनाई जाती है यहाँ पर गोडाउन में। तो ऐसा करते हैं ना आदि, अगला पार्ट बनाते हैं। हाँ, मेरा एक सेटअप जाने वाला है, अभी आप दिखा देना, सेटअप बन रहा है यहाँ पे, ये सेटअप जाएगा, इसकी एक पूरी एक पार्ट 2 बनाते हैं, कैसे सेटअप बनता है, कैसे जाता है और कैसे इंस्टॉल होता है द अबीरा फिटनेस की फर्म से। आप उसको दिखाना, मैन्युफैक्चरिंग भी है यहाँ पर ही, मतलब सब चीज़ें आपके सामने होंगी, सारा मशीन आपके सामने बनेंगी, यहाँ से लोड होंगी और यहाँ से हमारी जाएंगी ऋषिकेश में, मेरा सेटअप जाना है, वहाँ जाएंगी। तो अगला पार्ट हम जो मिलेंगे ना, तो हम पूरे सेटअप के साथ मिलेंगे। हाँ, तो वो भैया ने खुद बनाना है वाला जिम। तो यार एक और चीज़ इसमें ऐड होगी कि जिसको खुद ही जिम बनवाना है ना पूरा अपना, वो भी भैया करते हैं बिल्कुल। तो उस चीज़ की भी डाउट क्लियर हो गया आपको। बाकी यार आप बता देना वीडियो में कैसी लगी आपको वीडियो, और जो भी क्वेश्चन हो गया ना आप पूछ लेना बिल्कुल बेफिक्र होके। और आपको मैंने बता दिया बिल्कुल यार, बिल्कुल आपका नंबर एड्रेस सब पिन कर दूंगा यहाँ पर यार, बेफिक्र होके भैया कॉल करो। भाई मैं तो लास्ट में कहूँगा यार, देखो जितने कमेंट आएंगे उतना हमारे लिए अच्छा, जितने सब्सक्राइब करेंगे और अपडेट उनको मिलेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना तो भूलना ही ना भाई क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है कि आगे और अपडेट मिलेंगे। मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आता हूँ। हाँ, मेरे पे जिम, हर तरह का जिम मिलते हैं, BMW सीरीज़ गाड़ियाँ सुनी थी BMW, लेकिन मैं BMW सीरीज़ की जिम भी दे देता हूँ और मर्सिडीज सीरीज़ की जिम दे देता हूँ। मतलब ये चीज़ें आपने गाड़ियों के लिए सुनी होंगी, लेकिन ये मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे के वीडियो, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनती है। तो आप प्लीज़ इस बने रहें और सब्सक्राइब वगैरह सब करें, प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो शुक्रिया आदि भाई, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, ठीक है। लास्ट में भाई मैं कहूँगा अभी आज मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ भैया से, लिटरली इससे पहले हम मिले नहीं है। तो आज हम बात कर ही रहे थे तो कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें निकली भैया से कि भैया का ये जर्नी कैसी थी, क्या कैसे स्टार्ट करा। तो मैं उसमें भी थोड़ा एक मेरे को ऐसा हो गया यार ये चीज़ कवर होनी चाहिए क्योंकि ना ये नॉलेज है और ये एक्सपीरियंस है आपका जो सबको साथ शेयर करना चाहिए, है ना। तो ये भी करेंगे गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और आपके कुछ भी सवाल होंगे ना आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बेफिक्र होकर पूछ लेना, ठीक है गाइस। लास्ट में भाई यही होता है मेरा, लास्ट में स्लोगन सबकी वीडियो में यही रखा है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्योंकि मेरी जो कंपनी है मेरी गुड़िया के नाम पर है, द अबीरा फिटनेस। अबीरा मेरी डॉटर का नाम है, उसी की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और जो आपको मेरी लाइफ स्टोरी जाननी है कि आज मैं आप तक कैसे पहुंचा, इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट मैंने कैसे तक करी, वो और कोई वीडियो में बताएं। देखो ये इंटरेस्टिंग वर्ड है, मैंने आपको बताया था ना भैया इंजीनियर रह चुके हैं, तो ये स्विच कैसा आया वो बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मेरे को खुद इसमें इंटरेस्ट आ चुका था। तो आपको भी अगर जाना तो ज़रूर बताना इसमें। बाकी आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर।